हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी मदर इन लॉ की स्पेशल रायता रेसिपी। उनका एक इंग्रेडिएंट और इट मेक्स अ परफेक्ट और माय फेवरेट रेसिपी। तो चलो लेट्स सी। आज मैं आप लोगों को तीन तरह के रायते बनाने के बारे में बता रही हूँ जो धूनी बेस्ड है। मैंने उबला हुआ कद्दू लिया है, उबला हुआ बथुआ और उबली हुई लौकी, जलता हुआ कोयला है। मैं इनमें सब में एक एक रख रही हूँ और अब मैं इनमें सब में घी डालूंगी ताकि धूनी अच्छे से इनमें खुशबू हो जाए। और ऊपर से इनपे कवर लगा दूंगी। आप देख रहे हैं धुआं बाहर निकल रहा है और इसकी खुशबू घी और घी जलता हुआ जलते कोयले पर जब घी गिरा है तो उसकी खुशबू इनमें मिक्स हो रही है। अब मैं इनको हटा देती हूँ। आप देखिए धुआं अभी भी निकल रहा है। कोयला इसमें से मैंने हटा दिया है। अब हम इनको बाउल में डालेंगे। एक-एक कर धूनी लगा हुआ कद्दू, धूनी लगा हुआ बथुआ और धूनी लगी हुई लौकी। अब हम टेस्ट के मुताबिक इसमें दही मिक्स करेंगे। और इसको अच्छे से हिला दें। अब इनमें हम स्वाद के अनुसार लौकी के और कद्दू के रायते में पिसी हुई सिकी हुई और पिसी हुई राई, भुना हुआ जीरा, काला नमक, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च और पुदीना मिलाएंगे। और बथुए के रायते में हम सिका हुआ जीरा, काला नमक, लाल मिर्च और सफेद नमक। नमक हम खाते समय भी डाल सकते हैं ताकि रायता खट्टा ना हो। तो आपके तीनों रायते तैयार हैं, स्वादिष्ट और धूनी की खुशबू वाले।